अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, वेलकम टू माय चैनल किचन बाय नमरीन। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको क्या बनाना सिखा रही हूँ, मैं इस वीडियो में आपको झटपट मेयोनीज़ बनाना सिखाऊंगी दो तरीक़ों से कि आप घर में आराम से मेयोनीज़ कैसे बना सकते हैं। इसके लिए आपको मेरी वीडियो एंड तक देखनी है। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि हमारी हौसला अफजाई होती रहे, और आपने बेल आइकन पर क्लिक करना है ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं मैं आपको मज़ीद क्या सिखाऊं। अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको रूम टेम्परेचर पर दो अंडे चाहिए। आप जिस जार में बना रहे हो मिक्सर जार में, वो आपका बिल्कुल क्लीन होना चाहिए, उसमें पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अब इसमें आधा चाय का चम्मच काली मिर्च ऐड करेंगे, दो से ढाई चम्मच जो है सिरके के ऐड करेंगे, आधा चाय का चम्मच नमक ऐड करेंगे और दो चम्मचे हम इसमें जो है खाने के चीनी के ऐड करेंगे। आपने क्या करना है, इस ब्लेंडर को जूसर की मशीन पे रख के मशीन को ऑन कर देना है और आपने चलती ही मशीन में ऑयल डालना है। आपने आराम आराम से ऑयल डालना है, एक कप जो भर के पूरा नहीं डालना, आहिस्ता आहिस्ता डालना है, ज़्यादा नहीं डालना। आपने इस तरह से जिस तरह मैं आपको बता रही हूँ आप इस रेसिपी को फॉलो करेंगे तो आप का जो है एक तो ऑयल कम यूज़ होगा और दूसरा ये आपका जल्दी से मेयोनीज़ रेडी हो जाएगा। मेयोनीज़ बनाते हुए आपने लाजमी इस बात का ख्याल रखना है कि आपके जो जूसर जग में जो है वो पानी बिल्कुल भी ना हो, बिल्कुल ड्राई हो। इस तरह से जब आप एक कप ऐड कर लेंगे तो आपने दूसरा कप इस तरह से ऐड करना स्टार्ट करना है। ये आपका मैक्सिमम जो है हाफ कप यूज़ होगा, इससे ज़्यादा आपको ऑयल यूज़ नहीं होगा। यानी टोटल जो मेयोनीज़ में हमारा ऑयल यूज़ होगा वो डेढ़ कप होगा। आप ये देख सकते हैं कि हमने डेढ़ कप के करीब जो ऑयल इसमें ऐड कर दिया है तो हमारा जो है वो मेयोनीज़ रेडी हो गया और थिक हो गया। वो अब हम इसको बाउल में निकाल लेंगे। आप ये देखें इसकी जो कंसिस्टेंसी है कितनी थिक है। अब मैं आपको इसी तरीके से जो है वो दूसरे मेथड से मेयोनीज़ बनाना सिखाऊंगी और मैं उसको उसमें गार्लिक ऐड करूँगी। अब मैं हम जो है वो दूसरी रेसिपी की तरफ चलते हैं और अपना गार्लिक मेयोनीज़ रेडी करते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको पहले की तरह ये वाली रेसिपी भी अच्छी लगेगी। आपने क्या करना है कि एक बाउल में इस तरह दो अंडे जो रूम टेम्परेचर में, तमाम इन्ग्रीडियंट सेम टू सेम है, इसमें सिर्फ मैंने एक गार्लिक पाउडर ऐड किया है, एडिशनल है वो। आप इस तरह से इसमें काली मिर्चें, नमक, सिरका और ये चीनी जो है वो आप ऐड कर देंगे और इसमें आप जो ये है लहसुन का पाउडर ये ऐड नहीं करेंगे और इसमें जो आपने ऑयल है वो भी साथ ही ऐड कर देना है डेढ़ कप। डेढ़ कप आपने इसमें ऐड करना है। जूसर मशीन में हमने क्या किया था कि हमने आहिस्ता आहिस्ता करके डाला था, लेकिन जब आप इसको हैंड ब्लेंडर से बनाएंगे तो आपने तमाम चीज़ें इसको साथ इकट्ठी डाल देनी है, इसमें आप आहिस्ता आहिस्ता से नहीं डालेंगे। अब हम अपने ब्लेंडर को हैंड ब्लेंडर को जो चलाएँगे, आप ये देख सकते हैं कि आप ये आहिस्ता आहिस्ता से विद इन सेकेंड में मेयोनीज़ रेडी हो जाएगा। हैंड ब्लेंडर से मेयोनीज़ बहुत ज़्यादा जल्दी और झटपट बन जाता है, जबकि जूसर मशीन में हमें बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ता है। आप ये देख सकते हैं कि ये कितना गाढ़ा एकदम से हो गया है। जब ये गाढ़ा हो जाएगा तो आपने क्या करना है, ये देखें जब इस तरह कंसिस्टेंसी की गाढ़ी हो जाएगी तो आपने इसमें जो लहसुन का पाउडर है ये ऐड कर देना है। व्यूअर्स, ये जो लहसुन का पाउडर मैंने इसमें ऐड किया है ये होममेड है। नेक्स्ट आने वाली वीडियो में आपको लहसुन का पाउडर बनाना भी सिखाऊंगी कि आप घर में लहसुन का पाउडर कैसे बना सकते हैं। अगर आपके पास लहसुन का पाउडर नहीं है तो आप इसमें फ्रेश गार्लिक भी डाल सकते हैं। हमारा मेयोनीज़ रेडी हो गया है, हम इसको बाउल में निकाल लेंगे। आप ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी कितनी गाढ़ी है। उम्मीद करती हूँ नाज़रीन आपको मेरी ये रेसिपी भी अच्छी लगी होगी। आप इस मेयोनीज़ को डिफरेंट रेसिपी में यूज़ कर सकते हैं। मैं अपनी आने वाली वीडियो में बताऊंगी कि आप ये मेयोनीज़ किस किस रेसिपी में यूज़ कर सकते हैं। आप ये देख सकते हैं कि ये हमने जो पहले मेयोनीज़ बनाया था ये सिंपल मेयोनीज़ है और ये हमने गार्लिक मेयोनीज़ बनाया था, इसकी कंसिस्टेंसी और उसकी कंसिस्टेंसी सेम टू सेम है। अगर आपको मेरी होममेड झटपट मेयोनीज़ की रेसिपी अच्छी लगी हुई तो लाइक करना मत भूलिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप मेरी रेसिपी ट्राई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर कर रहे हैं तो आपको कैसी लग रही हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।